हाय फ्रेंड्स, मैं राम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। एक सवाल है जो आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बादशाह फिल्म से रिलेटेड। आई थिंक वो सवाल आपके मन में भी कहीं ना कहीं शोरगुल करता होगा। सवाल ये है कि क्या बादशाह फिल्म 100 करोड़ तक कमाएगी या नहीं। बहरहाल मैं इसका आंसर थोड़ा क्लियर वे में देना चाहता हूँ और समझा के देना चाहता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन रहे। 5 दिन का कलेक्शन आ गया बादशाह फिल्म का, 2800 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। 5 दिन का कलेक्शन आ गया है 56 करोड़। ठीक है, 56 करोड़ इस फिल्म ने कमा लिया है। अब अगर हम बात करें कि अगर ये फिल्म आने वाले 2 दिन में 10 करोड़ भी कमाएगी, कम से कम चलिए 10 करोड़ कमा लेगी ये फिल्म, तो कलेक्शन हो जाएगा 66 करोड़, 56 66 करोड़। अब 7 दिन हो गए, 66 करोड़ तक का कलेक्शन हो गया। अब क्या ये फिल्म आने वाले जो वीक होगा उसमें 34 करोड़ कमा पाएगी, यानी कि 34 करोड़ कमा पाएगी और 100 करोड़ पार कर पाएगी? तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और रीजन वो मैं बता रहा हूं, अगले हफ्ते 3 फिल्में रिलीज हो रही है बॉलीवुड की। पोस्टर बॉय, सनी देओल, बॉबी देओल, श्रेया तलपड़े की फिल्म है। कुछ ज्यादा बड़े बजट की फिल्म नहीं होगी, लेकिन सनी देओल का जो प्रेजेंस है वो बहुत स्ट्रांग है पंजाब साइड में, नॉर्थ एरियाज में, सर्किट में। और फिल्म की कहानी थोड़ी ट्विस्टेड है, थोड़ी सी अलग है, तो पब्लिक जरूर पसंद करेगी। दूसरी फिल्म काला कांडी सैफ अली खान की फिल्म है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, ये एक सिलेक्टेड मासेस के लिए फिल्म होगी मल्टीप्लेक्सेस के लिए। और तीसरी फिल्म है डैडी, यानी कि अरुण कोहली के ऊपर फिल्म बेस्ड है। अरुण गवली वन ऑफ द लीडिंग डॉन था, ये अकेला डॉन था जो मुंबई छोड़ के नहीं भागा था, फिलहाल जेल में है अरुण गवली। प्रीमियर पर भी उनको मिला नहीं बेल की वो फिल्म को देख सके, उनके उनके ही लाइफ पे बनी फिल्म को। तो अरुण गवली फिल्म जो डैडी फिल्म, जिसमें अर्जुन रामपाल का मेरे ख्याल से वन ऑफ द चैलेंजिंग रोल्स है, जो मैं खुद चाह रहा था कि वो इस तरह का रोल प्ले करे, तो वो प्ले कर रहे हैं। तो 3 फिल्में रिलीज हो रही है, तो यानी कि इसकी इनकम जो 2800 है आप मान के चलिए कि आधे से कम होगा ही होगा, यानी कि स्क्रीन काउंट बचे 1200 से 1400 के आसपास। ठीक है, मेरे ख्याल से 1200 पकड़ लीजिए, यानी कि आधे से कम स्क्रीन काउंट। जब आधे से कम स्क्रीन काउंट होगा तो सीधे लिहाजा कलेक्शंस कम होंगे। और सेकेंड वीक में शुभमंगल सावधान ने पहले हफ्ते में तो अच्छी खासी कॉम्पिटिशन दिया है इस फिल्म को, तो सेकेंड हफ्ते में भी देगी, राइट? तो कंपटीशन, 3 फिल्म तो अब सेकेंड हफ्ते से आ रही कंपटीशन बादशाहों को, और साथ में सुमंगल सावधान है वो भी कम्पीट करेगी सेकेंड वीक में। उस हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड वीकेंड पे मुझे नहीं लग रहा है कि फिल्म कुछ करिश्मा कर पाए, क्योंकि सभी को अगर देखिए सेकेंड वीकेंड में अगर इसका धमाकेदार कलेक्शन हुआ, धमाकेदार मतलब मैं बोलने का मतलब ये है कि सेकेंड वीकेंड में अगर 5 5 करोड़ भी कलेक्शन हुआ तो उम्मीदें बन सकती है 100 करोड़ के। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए 15 करोड़ अगर कमा लिए सेकेंड वीकेंड में, यानी कि 10 दिन में इस फिल्म का कलेक्शन हो गया, मैंने कहा था 66 करोड़, 76 करोड़ और 80 करोड़ के आसपास कलेक्शन हो गया, तो उसके बाद भी थोड़ा सा ऐसे चांसेस बन सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि ये फिल्म का जो दी एंड होगा वो 85 से लेके 90 करोड़ के बीच में हो जाएगा, और 100 करोड़ ऐसे कोसों दूर रहेगी ये फिल्म, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है। इस कंपटीशन में फिल्मों का टिके रहना हफ्ते भर भी आजकल मुश्किल पड़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि बादशाह फिल्म 100 करोड़ कमा पाएगी। आपकी क्या राय है मेरे इस एक्सप्लेनेशन पे? आपको क्या लगता है बादशाह फिल्म का कलेक्शन कितना होगा लाइफ टाइम का, या आपको आपको ये लगता है कि 100 करोड़ कमा पाएगी? तो ऑफकोर्स अगर लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपका रीजन क्या है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिलहाल इतना ही, बाय बाय।